देखिए आज पूरी दिल्ली, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक वो इंसान जिसने दिल्ली के देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी है, जिसने एक टूटते हुए शिक्षा तंत्र को जिंदा किया है, जिसने पूरे देश में दिखाया है कि गरीब बच्चे को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है, एक चप्पल की फैक्ट्री में काम करने वाले लेबरर का बेटा आईआईटी में जा सकता है, आज उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला है, झूठे आरोपों पर जेल में डाला है। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कदम ने पूरे देश को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि जब आप इस तरह की तानाशाही करते हो, जब जब किसी तानाशाह का अत्याचार बढ़ा है, उस तानाशाही के अंत की शुरुआत वहीं से हुई है। और ये तारीख 26 फरवरी 2023, जिस दिन मनीष सिसोदिया जैसे क्रांतिकारी विजनरी व्यक्ति को जेल में डाला गया है, भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत के तौर पे देश के इतिहास में लिखा जा रहा है। 44 लागू कर दी गई है, प्रोटेस्ट करने से भी रोका जा रहा है। क्या लोकतंत्र है बताइए, कि एक तरफ बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया जी जैसे व्यक्ति को जेल में डाला जाता है और अब पूरी नई दिल्ली को छावनी बना देते हैं। आप देखिए मनीष सिसोदिया जी के घर की एंट्रेंस है, आधा किलोमीटर दूर तक पुलिस बैरिकेड, और ना सिर्फ इतना पूरी नई दिल्ली के इलाके में छावनी बनी हुई है, चाहे पुलिस हो, चाहे CRPF हो, चाहे RAF। क्यों डर रही है केंद्र सरकार? क्योंकि उनको पता है कि जनता में रोष है, कि आज जनता, उन्हें आम आदमी पार्टी का डर नहीं है, उन्हें जनता का डर है। और किसी भी तानाशाह को जनता का डर होता है कि जनता उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए। देखिए परिवार की तो स्थिति ठीक नहीं है। मनीष जी के परिवार में उनकी पत्नी है, बेटा है, एजेड मदर है, बेटा भारत से बाहर पढ़ता है, और उनकी पत्नी को काफ़ी सीरियस मेडिकल कंडीशन है। उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और वो पिछले कई महीने से काफ़ी स्टडी डिटीरियोरेशन की स्थिति में रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे बड़े सदमे से, झटके से बहुत असर तो पड़ेगा ही।